महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन और दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर मौजूद है उस मंदिर को कब और किस तरीके से बनाया गया इस बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी किसी को नहीं पता लेकिन पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करती है कि आज के दौर में जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दुनिया के जितने भी बेहतरीन इंजीनियर्स मौजूद हैं अगर उन सभी को मिलाकर भी कोशिश करें तो उस मंदिर की तरह किसी दूसरे मंदिर को तैयार करना असंभव है उस मंदिर का नाम है कैलाश मंदिर जिसे भगवान शिव का मंदिर माना जाता है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आज की दुनिया इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि हम बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को बना सकते हैं हम समंदर के बीचों बीच किसी शहर को बसा सकते हैं लेकिन आज से सैकड़ों साल पहले हमारे भारत के लोगों ने एक ऐसे मंदिर को बनाया जिसे इस वक्त का दुनिया का कोई भी इंजीनियर दोबारा नहीं बना सकता ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आज से सैकड़ों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्राचीन भारतीयों ने इस मंदिर को आखिर किस तरह बना लिया आखिर कितने लोगों ने मिलकर इस मंदिर को तैयार किया इस मंदिर को कब बनाया गया और उससे भी बड़ा सवाल दुनिया के सबसे अनोखे महादेव के मंदिर को किस राजा ने बनवाया दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी सबसे खास बात यह है कि उस मंदिर को इस तरीके से तैयार किया गया था जिसके बारे में आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले इंजीनियर सोचकर भी घबरा जाते हैं उदाहरण तो के तौर पर मान लीजिए कि आज के वक्त में जब कोई इंजीनियर कोई भी इमारत तैयार करता है तो उस इमारत को तैयार करने के लिए पत्थर या फिर कंक्रीट के कई टुकड़ों का इस्तेमाल करता है इसके साथ ही वो कई मॉडर्न मशीनें, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उस इमारत के सटीक नक्शे को तैयार करता है और इमारत को तैयार करने वाला मजदूर बिल्कुल उसी नक्शे के अनुसार उस इमारत को खड़ा करता है आधुनिक मशीन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एक बेहतरीन इंजीनियर होने के बावजूद भी इमारत तैयार होते होते उसमें कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हो जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज से लगभग हजार साल से भी पहले जब औरंगाबाद के पास मौजूद पहाड़ियों के बीचों बीच इस मंदिर को तैयार किया गया तो उसे मंदिर के पत्थरों के टुकड़ों से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक बड़े से चट्टान को काट तैयार किया गया आसान शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि कैलाश मंदिर पूरा का पूरा सिर्फ एक पत्थर का बना है उसमें कोई जोड़ मौजूद नहीं है इसका मतलब यह है कि उस वक्त जो भी कारीगर उस मंदिर को तैयार कर रहे थे अगर इनसे छोटी सी भी गलती हो जाती तो मुमकिन है उस मंदिर का ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता जब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला तो वे सोचने पर मजबूर हो गए कि आज के वक्त में इतने आधुनिक मशीन और कंप्यूटर का इस्तेमाल होने के बावजूद भी जब गलतियां हो जाती है तो आज से सैकड़ों साल पहले प्राचीन भारतीयों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि बिना किसी गलती के इस रहस्य में मंदिर को तैयार कर दिया जो सैकड़ों सालों बाद आज भी बिल्कुल उसी तरह से पहाड़ियों के बीच सीना तान कर खड़ा है इतना ही नहीं ये घटना साल सोलह की है

औरंगजेब ने हजारों सैनिकों के एक दल को कैलाश मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का काम सौंपा था आपको जानकर हैरानी होगी मुगलों के बीच सैनिक लगातार तीन साल तक इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे लेकिन हैरानी की बात यह है कि तीन सालों की मेहनत के बाद भी औरंगजेब अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया कई सालों की मेहनत के बाद जब उस मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ तो औरंगजेब को यह समझ आ गया कि इस मंदिर को खत्म करना लगभग नामुमकिन है आखिरकार औरंगजेब और उसके सैनिकों को पीछे हटना पड़ा ये तो थे इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस इस मंदिर 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 को 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 बनाया कब गया था और कितने कितने लोगों ने मिलकर कितने समय में बना डाला लेकर जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण राष्ट्रकुल के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए तमाम इलाज के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे तब रानी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो राजा को स्वस्थ कर दें उनके स्वस्थ होते ही वो मंदिर का निर्माण करवाएगी और मंदिर का शिखर देखने तक व्रत करेंगी तब राजा स्वस्थ हो गए लेकिन रानी को बताया गया मंदिर का निर्माण और शिखर बनने में कई वर्ष लग जाएंगे ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रख पाना संभव नहीं है तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी मान्यता है कि तब उन्हें भूमि अस्त्र मिला ये महादेव का दिया हुआ ऐसा अस्त्र था जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता था इस अस्त्र का जिक्र ग्रंथों में भी मिलता है मान्यता है कि उसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया गया और रानी को कई वर्षों तक तो व्रत न रखना पड़ा इसलिए मंदिर को शिखर से नीचे की तरफ तैयार किया गया ताकि सबसे पहले मंदिर का शिखर ही तैयार हो दुनिया भर के वैज्ञानिक यही मानते हैं कि इतने कम समय में पर लौकिक शक्तियों द्वारा ही ऐसे मंदिर का निर्माण संभव है अन्यथा आज के समय में ऐसा मंदिर इतने कम समय में और एक पत्थर को ऊपर से नीचे तराश कर बनाना असंभव है आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि कैलाश मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है इस मंदिर के नीचे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी है लेकिन नीचे जाने का रास्ता आम आदमी बंद है इन दरवाजों के पीछे एक सुरंग भी बनी है जिसका रास्ता अंडरग्राउंड शहर की तरफ जाता है अब हम आगे इस मंदिर के बारे में जिन बातों को बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनना आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार किसी एक बड़े चट्टान को काटकर ऐसा मंदिर बनाने के लिए लगभग चार लाख टन पत्थरों को काटकर कर यहाँ से निकाला गया होगा वहीं दूसरी तरफ इतिहास की कुछ किताबों के अनुसार इस मंदिर को बनाने में उस वक्त लगभग 18 साल का वक्त लगा इस हिसाब से देखा जाए तो उस वक्त जिन कारीगरों ने मिलकर इस मंदिर को तैयार किया उन कारीगरों और मजदूरों को हर दिन लगभग 60 टन पत्थरों को काटकर कर वहां से निकालना पड़ा इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे 5 टन पत्थर और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के खैर ये तो हो गई पहाड़ी के उस चट्टान को काटकर पत्थर निकालने की बात लेकिन कैलाश मंदिर के अंदर जो नक्काशी की गई है और उसके अंदर जो मूर्तियां और खम्भ मौजूद है उस अद्भुत कलाकृति को बनाने में कितना समय लगा होगा ये सब बातें कैलाश मंदिर को और अधिक रहस्यमय बना देती है क्योंकि आज से कई सौ साल पहले जब आज की तरह कोई आधुनिक को उपकरण नहीं थे तो केवल कुछ पत्थरों के औजार से इस तरह की भव्य इमारत को कैसे बनाया गया होगा इस मंदिर से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मंदिर को तैयार करते वक्त लगभग चार लाख टन पत्थर को काट कर वहाँ से निकाला गया था लेकिन उसके बावजूद भी उस मंदिर से मीलों दूर के रेडियस में वैसा कोई भी पत्थर मौजूद नहीं ऐसे में सवाल उठने लगा कि उस वक्त के कारीगरों और मजदूरों ने चट्टान को काट कर जो पत्थर बाहर निकाला वो पत्थर आखिर गए कहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है मंदिर में सौ से ज्यादा पैनल हैं और इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है इस मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है हैरानी की बात तो यह है कि दीवारों पर लिखे गए अधिकतर चीजों के बारे में आज तक कोई कुछ समझ नहीं पाया कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया लेकिन वहाँ हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध कर पाना मुश्किल हो गया मान्यता है वहाँ पर भूमि अस्त्र और मंदिर निर्माण में प्रयोग किए गए अस्त्र हो सकते हैं उस वक्त नाकामयाबी के बाद अंग्रेजों ने ये रिसर्च बंद करके इन गुफाओं को बंद कर दिया बता दें आजादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है पुरातत्व विज्ञानियों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है जहाँ से ये रेडियो एक्टिव किरणें आती है क्योंकि किरणें गुफाओं में किसी एक स्रोत से ही आ रही हैं। दुनिया के सबसे जगह है इतने के के अद्भुत डिजाइन और प्लानिंग की गई होगी इसके अलावा बारिश के पानी को स्टोर करने का सिस्टम पानी बाहर करने के लिए नालिया मंदिर टावर और पुल महीन डिजाइनों से बने खूबसूरत छज्जे बारीकी से बनी सीढ़ियाँ गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते आदि सब कुछ पत्थरों को काटकर बनाना आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विपक्ष की बात नहीं तो दोस्तों आपने देखा हमारा प्राचीन भारत कितना उन्नत है हमारे वेदों से लेकर शास्त्र तक हमारी कारीगरी से लेकर नकाशी नमूने तक धर्म से लेकर ज्ञान तक हर चीज के मामले में हमारा प्राचीन भारत आज के मॉडर्न जमाने से बहुत आगे था ए वजह कि आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग चीजों की खोज आज करते हैं हमारे वेदों में उनका जिक्र आज से हजारों साल पहले किया जा चुका है यही वजह है कि जिस मंदिर को हमारे प्राचीन भारतीयों ने आज से सैकड़ों साल पहले तैयार किया उसके जवाबों को आज भी दुनिया का मॉडर्न इंजीनियर ढूंढने में सफल है उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी और आप हमारे प्राचीन और उन्नत भारत को किस नजरिए से देखते हैं अपनी राय कमेंट में देना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी जानकारियों से भरी वीडियो लाती रहती है